Hello friends, assalamu alaikum. Friends, I am Kaleemullah and you are seeing our YouTube channel Kaleem TV. Friend, आज मैं आपको दुनिया के ऐसे आइलैंड की विजिट करवाने वाला हूँ जिसका शायद आपने नाम भी ना सुना हो. वो है जजीरा ग्वाडलूप, जो कि कैरेबियन सी में वाकया है और ये फ्रेंच आइलैंड है, यानी कि फ्रांस के अंडर ये आइलैंड है, फ्रांस का आइलैंड है. तो इस पर यानी कि फ्रांस की हुकूमत है, इसका कोई अपना झंडा नहीं है, फ्रांस का झंडा ही इसका अपना झंडा समझा जाता है. तो ये ग्वाडलूप, अगर इसकी लोकेशन की बात करूं तो ये मुल्क एंटीगुआ बारबुडा के जनूब में और डोमिनिका के शुमाल में ये वाकया है. इसके अलावा भी और भी जजायर के दरमियान में ये वाकया है, जैसे कि पोर्टो रिको हो गया, इसके अलावा वगैरह वगैरह. तो इसकी जो लैंग्वेज है फ्रेंच लैंग्वेज है, यानी फ्रांसीसी इसकी ज़बान है और इसकी करेंसी यूरो है. आज की हमारी वीडियो ग्वाडलूप पर है. इस पर इस जजीरे में आंखों से नाबीना सांप भी पाए जाते हैं, जो कि कुदरती तौर पर अपनी आँखों से नाबीना है. तो इसकी मुकम्मल हिस्ट्री तारीख के बारे में आपको आगाह करेंगे. अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि हर मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके. दोस्तों, चलो हम अपनी वीडियो का आगाज करते हैं. फ्रेंड्स, आज हम दुनिया के ऐसे आइलैंड यानी जजीरे की सैर करेंगे जिसका आपने नाम भी ना सुना होगा. तो वो है जजीरा आइलैंड ग्वाडलूप, जो कि कैरेबियन सी में वाकया है और फ्रांस के कंट्रोल में है, यानी फ्रेंच आइलैंड है. दोस्तों, वीडियो का आगाज करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्द ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके. तो दोस्तों, ग्वाडलूप एक जजीरा नुमा मुल्क है. ये एंटीगुआ बारबुडा के जनूब में और डोमिनिका के शुमाल में वाकया है. इसका दारुल हुकूमत शुमाली मगरबी साहिल पर वाके बासी टारा है, लेकिन इस इलाके के सबसे बड़े शहर का एजाज पॉइंट पीटरा को है. दिगर बैरोने मुल्क डिपार्टमेंट की तरह ये भी फ्रांस का एक अहम हिस्सा है. उसे यूरोपी और यूरो जोन के इलाके के तौर पर जाना जाता है. इसकी सरकारी करेंसी यूरो है और कोई भी यूरोपी सिटीजन गैर यकीनी तौर पर यहाँ रिहायश और काम करने के लिए आजाद है. यहाँ की सरकारी जबान फ्रेंच है, लेकिन इटालियन कोरल भी बोली जाने वाली अहम जबान है. क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1693 में इस जजीरा नुमा इलाके का नाम सेंटा मारिया डी ग्वाडलूप रखा. एक हस्पानवी नामी फ्रांसीसी कॉलोनी बन जाने के बाद भी हस्पानवी नाम बरकरार रहा. नाम फ्रांसीसी आर्थोग्राफी में तब्दील कर दिया गया और आज ये जजीरा नुमा इलाका लोकली तौर पर ग्वादा के नाम से जाना जाता है. इस इलाके को सबसे पहले अमेरिका के मुकीमी लोगों ने आबाद किया था, लेकिन अगर यूरोपी दरियाफत की बात करें तो क्रिस्टोफर कोलंबस पहले यूरोपी थे जिन्होंने इस जजीरे को देखा और 1493 में यहां लैंड किया और इसको अपना मौजूदा नाम दिया. 16वीं सदी में स्पानियों के जरिए नौ आबादियाती अमल की मुतअद्दिद कोशिशें एरिसिसो के मुकामी लोगों के अमले की वजह से नाकाम हो गई.
1626 में फ्रांसीसियों ने ग्वाडलूप में दिलचस्पी लेना शुरू की, जिससे हस्पानवी आबादकारों को मुल्क बदर किया गया। 1635 में ये लोग ग्वाडलूप में आबाद हुए और फिर इन्होंने फ्रांस के लिए इस इलाके पर कब्जा किया और फ्रांसीसी काश्तकारों को इस जमीन को नौ आबादियाती बनाने के लिए यहाँ लाया गया, जिसकी वजह से बहुत से कैरेबियन बीमारी और तशद्दद का शिकार हुए। इनकी बड़े पैमाने पर अमवात भी हुई। 7 साल की जंग के दौरान अंग्रेजों ने सन 1759 से लेकर 1763 के मुआहदे पेरिस तक ग्वाडलूप पर कब्जा किया। इस वक्त के दौरान पॉइंट पीटर एक बड़ी बंदरगाह बन गया। 1636 में फ्लेगस अबाओ पहले सियाह फार्म गवर्नर बने। दूसरी जंग अजीम के दौरान ग्वाडलूप इब्तदाई तौर पर देसी हुकूमत के जेर इक्तदार आया। बाद 1443 में फेरी फ्रांस में शामिल कर दिया गया। 1946 में ग्वाडलूप की कॉलोनी फ्रांस का डिपार्टमेंट बन गया। जंग के बाद के दौर में इस मुआशी ढांचे और फ्रांसीसी तालुकात में तनाव पैदा हुआ। 1967 में एक सियाह फार्म नस्ल प्रस्तों के हमले के बाद नस्ली तनाव फैला, इसके नतीजे में 8 अफराद हलाक हुए। 1970 की दिहाई में आजादी तहरीक भी चली, जिसमें फ्रांस को 1474 में ग्वाडलूप को फ्रांसीसी खिता करार देने पर मजबूर किया गया। यूनियन की अकवाम ने मुकम्मल तौर पर आजादी के लिए मुहिमें चलाई। सन 2000 में ग्वाडलूप को खुद मुख्तियारी दे दी गई। चाहे आप जंगल की सैर करना चाहें, ये साहिल समंदर की ये खूबसूरत इलाका आपको मुकम्मल तौर पर एक जन्नत का गुमान करने पर मजबूर करेगा। यहाँ के रिहायशी ग्वाडलूपियन के नाम से जाने जाती हैं। ग्वाडलूपियन मौसम गर्मा से लुत्फ अंदोज होते हैं, जो कि जून से अक्टूबर तक बारिशों के साथ होता है। इस इलाके में बहुत बड़े पैमाने पर शिकार की वजह से यहाँ जंगली जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खत्म हो चुका है। इस इलाके में लोग 78 साल की जिंदगी बसर करते हैं। यहाँ के लोग गन्ना उगाना और खाना पसंद करते हैं। यहाँ पाले जाने वाले जानवरों में खंजीर, बकरी और मुर्गी शामिल हैं। इस इलाके की सनत में सियाहत और मैन्युफैक्चरिंग और तमीरात शामिल हैं। इसकी एक्सपोर्ट में केले, चीनी, रम्स शामिल है। जजीरे के मशहूर रक्स को यूक वाइन कहा जाता है, जो अभी तक रंगीन लिबास में पेश किया जाता है। ग्वाडलूप का सफर करना दिसंबर से मई तक के महीने में बेहतरीन रहता है। यहाँ के मशहूर खानों में पकौड़े, सब्जियाँ, तली हुई मछलियाँ, केले और गोश्त शामिल है। खास तौर पर यहाँ के लोग शोरबे वाला गोश्त ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ का सबसे बड़ा मजहब प्रोटेस्टेंट है, जो कि अक्सरियत में यहाँ के लोगों का मजहब है। इस इलाके में अगर क्राइम्स की बात करें तो फ्रांस की निस्बत यहाँ शरा क्राइम्स काफी ज्यादा हैं। यहाँ क्रिमिनल्स आमतौर पर सियाहों को निशाना बनाते हैं, खास तौर पर पॉइंट पीटर के पुराने मरकजी शहर में ऐसी वारदात सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। कैरेबियन जर्नी के लिए सबसे अहम बंदरगाह है ग्वाडलूप। ब्लास्टिक स्नेक यहाँ पाई जाने वाली अहम किस्म है, जो कि कुदरती तौर पर आंखों से नाबीना होते हैं। ये बासी टेरी और गर्नाडा टेरी के मरकजी जजायर पर बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद हैं। यहाँ नल का पानी साफ माना जाता है और अक्सर अफराद यही नल का पानी पीते हैं। कीड़े जैसा के मच्छर यानी मॉस्किटो पिसो यहाँ पर ज्यादातर डिजीज़ का सबब बनते हैं। इस इलाके का टूरिस्ट वीजा पाकिस्तानी अफराद के लिए दरकार है। आप किसी भी शहर में जाकर ग्वाडलूप की एम्बेसी से इसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। इस इलाके की दो बड़ी एम्बेसियां पाकिस्तान के दो बड़े शहरों में मौजूद हैं, एक कराची में और दूसरी इस्लामाबाद में है। इस इलाके की टोटल आबादी 35 यानी 3,95,700 अफराद पर मुश्तमल है। अगर हम इस इलाके की टोटल जीडीपी की बात करें तो इसकी जीडीपी 1.8 बिलियन यूरो है, जो कि 2014 में लगाए गए एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में 25वें नंबर पर है। इस इलाके की पर कैपिटा के लिहाज से जीडीपी आप में एक मिसाल है।
इसकी पर कैपिटा के लहाज से जीडीपी 19,810 यूरो है, जो कि 25,479 यूएसए अमरीकी यानी डॉलर बनती है। इस इलाके का टोटल रकबा 1625 मुरब्बा किलोमीटर है, जो कि 629 मुरब्बा मील बनता है, और ये रकबे के लिहाज से दुनिया का 16वां बड़ा रीजन है। यही वजह है कि कभी अमरीकी तो कभी यूरोपी और कभी फ्रांसीसी अकवाम ने इस इलाके पर काबिज होने की कोशिशें की, क्योंकि वो जानते थे ये इलाका जिस कदर तरक्की कर रहा है जल्द ही आला मईशत का हकदार होगा, और हर दौर में इस इलाके के लोगों को नस्ल परस्ती और तशद्दुद का सामना करना पड़ा ताकि ये कौम दुनिया में आगे ना बढ़ सके। लेकिन इन माँ जाओ ने ये बात साबित की कि रंगो नस्ल कुछ नहीं, और आज ये तरक्की पजीर है। इस इलाके का कॉलिंग कोड +590 है। अगर आपको यहाँ किसी से बात करनी है तो इसके नंबर के साथ आपको इस इलाके का कॉलिंग कोड +590 लगाना पड़ेगा। फुटबॉल को इस इलाके में मशहूर खेल माना जाता है, और इस इलाके का दिगर खेल बास्केटबॉल बहुत ज्यादा मशहूर है। ये इलाका हर साल हजारों की तादाद में खिलाड़ियों को पैदा करता है, जो कि दुनिया में अपना लोहा मनवाते हैं। यहाँ ड्राइव राइट साइड है, यानी गाड़ियां रोड पर दाएं जानब चलाई जाती हैं और स्टेयरिंग बाएं जानब होता है, जो कि फ्रांस का इलाका होने की वजह से है। फ्रांस में भी ड्राइव राइट साइड है। यहाँ 18 साल से जायद की उम्र के अफराद को गाड़ी चलाने की इजाजत दी गई है। इस इलाके में कोई झंडा नहीं है, क्योंकि ये इलाका फ्रांस के अंडर माना जाता है। यहाँ पर इस्तेमाल होने वाली करेंसी यूरो है, जो कि पाकिस्तानी 170.16 रुपयों के बराबर है। तो दोस्तों, आज की वीडियो का इख्तिताम यहाँ तक हुआ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर कमेंट करके आगाह करें कि आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी। अपने दोस्त कलीमुल्ला को इजाजत दें। खुदा हाफिज़।